बात से बात निकलती है और कई बार हम एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर हमारे और आपके साथ ऐसा ही होता है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि विज्ञान की कई बड़ी बड़ी खोजें जिन्होंने पूरी दुनिया में विज्ञान को एक नई दिशा दी, उनके पीछे भी ऐसी ही छोटी छोटी बातें और कहानियों का हाथ है। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए न्यूज इन साइंस में आज से हम एक नई सीरीज विज्ञान के रोचक किस्से की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक कपल का हनीमून विज्ञान की एक खोज का आधार बन गया। साल था 1847। स्विट्जरलैंड की दिलकश वादियां थी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बिछी बर्फ की चादर थी, गिरते हुए झरनों का शोर था और थे इधर उधर घूमते हनीमून मनाने आए शादीशुदा जोड़े। जवां उमंगों की इस दहलीज पर इंग्लैंड के मशहूर वैज्ञानिक प्रेस्कॉट जूल और उनकी पत्नी अमेलिया भी कुदरत की इस खूबसूरती को निहार रहे थे। एकाएक जूल को मानो कुछ करंट लगा और वो झरने की ओर दौड़ पड़े। अमेलिया बस भौचक्की रह गई। वो सोचने लगी, क्या आज फिर विज्ञान का भूत जूल के सर पर चढ़ गया है। जूल हर बात से बेखबर झरने के ऊपरी हिस्से की ओर दौड़ रहे थे। उनके हाथ में एक थर्मामीटर था। थोड़ी सी मशक्कत करने के बाद वो झरने के ऊपरी हिस्से तक पहुंचने में कामयाब हो गए और फिर झरने के गिरते हुए पानी के वेग में उन्होंने अपना थर्मामीटर रख दिया। थोड़ी देर के बाद उन्होंने थर्मामीटर हटा लिया। पानी के उस तापमान को जूल ने कागज पर लिख लिया। लेकिन जूल यही नहीं रुके। झरने के ऊपरी हिस्से से नीचे गिरते पानी के वेग का तापमान लेने के बाद वो नीचे की ओर भागे। थोड़ी देर के बाद जूल झरने के उस हिस्से पर पहुंच गए जहां पानी ऊपर से नीचे गिर रहा था। उन्होंने एक बार फिर से थर्मामीटर को पानी के साथ लगा दिया और थोड़ी देर बाद उन्होंने पानी का तापमान नोट कर लिया। दोनों तापमान को देखने के बाद जूल ने पाया कि लगभग 800 फीट की ऊंचाई से गिरते झरने के दोनों सिरों के तापमान में 1 डिग्री फारेनहाइट का फर्क था। नीचे का तापमान ज्यादा था। झरने के पानी के तापमान को इस तरह से मापने के पीछे जूल का क्या मकसद था? क्या महज 1 डिग्री तापमान का अंतर जानने के लिए उन्होंने अपने हनीमून का मजा किरकिरा कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं था। वो इसलिए क्योंकि जूल के इस जुनून के पीछे थी एक खोज, एक ऐसी खोज जिसने एक ऐसी सच्चाई का खुलासा किया जिसने दुनिया बदल दी। और वो खोज थी ऊर्जा की, ऊष्मा की, उस ऊष्मा की जिसे आज हम अपने आसपास कई रूपों में देखते हैं, जिसके जरिए इंसान के लिए कई नामुमकिन से दिखने वाले काम भी आसानी से हो जाते हैं। ये प्रयोग जूल के ऊष्मा से संबंधित बहुत से प्रयोगों में से एक था, जिससे वह ऊर्जा के बारे में एक समझ बना पाए कि ऊर्जा को न तो पैदा किया जा सकता है और न ही नष्ट। यह लगातार अलग अलग रूपों में बदलती रहती है और संरक्षित रहती है। ऊर्जा की खोज के पीछे जूल का अहम योगदान है। हालांकि यह सिलसिला बहुत पहले से शुरू हो गया था। जूल के जन्म से कई साल पहले से इंसान ऊर्जा को समझने की जुगत में लगा था। वो ऊर्जा को समझने की कोशिश करता रहा लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। वो उसे महसूस तो कर सका लेकिन उसका सही उपयोग नहीं कर पाया। वो उसे कोई नाम नहीं दे पाया। ऊर्जा का इतिहास उतना ही पुराना है जितना पुराना है इस धरती पर जीवन का जन्म। कल्पना कीजिए वो दिन कैसे होंगे जब मानव जंगल में घूमता था, अपने आप को मौसम और जंगली जानवरों से बचाने के लिए आग जलाता था। उसे यही लगता था कि आग से ऊष्मा पैदा होती है। उसे आग ही ऊष्मा लगती थी। उस वक्त आग से गर्म लगने, हाथों को रगड़ने से गर्मी मिलने जैसे प्राकृतिक घटनाएं उसे चौंकाती तो थी, लेकिन उसे समझने या किसी को समझाने के लिए उसके पास कोई माकूल जवाब नहीं होता था। और वैसी ही बातों के जवाब तलाशने में नाकामयाब होकर इंसान ने अन्य प्राकृतिक चीजों की तरह आग को भी भगवान मान लिया। वैसे प्रेस्कॉट जूल की इस कहानी के अलग अलग वर्जन हैं।
और हमने भी जो कहानी आपको बताई है, हो सकता है कि एग्जैक्टली ऐसा नहीं हुआ हो, लेकिन ये कहानी आपको बताने का मकसद सिर्फ यह है कि वन आइडिया कैन चेंज द वर्ल्ड, और ये आइडिया उसके दिमाग में कहीं भी और कभी भी क्लिक कर सकता है। जेम्स प्रेस्कॉट जूल की ऊर्जा की खोज इसी का एक एग्जाम्पल है। उम्मीद है जूल की यह रोचक कहानी आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही विज्ञान की कुछ और रोचक कहानियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार।